गाजा रख मजरा बताओ तानी हो। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम टेनिंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा फ्रेंड्स, इस तरह के स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी टूल्स यूज हुआ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस एडिटिंग के लिए मैंने यूज किया दो ठो एप्लीकेशन का, एक काइनमास्टर है और एक काइनमास्टर का ही वर्जन है बीट सेंस करके, जिसे इफेक्ट यूज करने में आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बीट सेंस को ही यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पर और एप्लीकेशन को करेंगे ओपन। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ओपन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले किसी भी ट्यूटोरियल को हम मिस न करें। तो आइए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें साउंड आता है तो साउंड को हम बाद में हटा लेंगे। तो पहले यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपनी इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी इमेज आप इस एडिटिंग के लिए यूज करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ इमेज सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर सिंपली आपको टैप कर देना। फ्रेंड्स, यहाँ पे टैप करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी इफेक्ट पे अलग अलग साइज और अलग अलग टाइमिंग का स्टेटस बनता है। जैसे इस वाले को मोडर्न को यूज़ करते तो 19 सेकेंड का बनता है, उसी तरह से शटर बग को यूज़ करते तो इसमें भी 19 सेकेंड का, स्टार यूज करते तो 20 सेकेंड का, और स्पेशल डे यूज़ करते हैं तो 16 सेकेंड का, और रेसिंग यूज़ करते तो 22 सेकेंड का। तो हम जो यूज़ करने वाले वो रेसिंग है, ठीक है, क्योंकि हमारा थोड़ा लंबा स्टेटस बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक काइनमास्टर का जो लोगो दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक तो पॉपअप आपके सामने खुलकर आ जाएगा, यहाँ ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका काइनमास्टर ऑटोमेटिक खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस साउंड को आप यहाँ से कर दीजिए डिलीट, क्योंकि इस साउंड का यूज हमें करना नहीं है। अब इसके बाद इमेज पर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट इमेज ही कट रहा है, ठीक है। तो आपको इस इमेज पर क्लिक करना और ट्रिमर के बगल में जो डबल लेयर से दिख रहा है इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद इसे इक्वल करके भी आप इस तरह से कर सकते हैं या बिना इक्वल किए भी, ठीक है। तो एक को अगर आप चाहते हैं एक में दूसरे जगह दिखे और एक में दूसरे जगह, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्लाइड होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। अब राइट क्लिक करेंगे तो इसी तरह से आपको सभी इमेज पर देख लेना है कि कौन कौन सी इमेज आपकी कट रही है। जो भी इमेज कट रही होगी वहाँ पर क्लिक कीजिएगा और इसे एडजस्ट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भी कुछ इमेज कट रहे हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ इसे एडजस्ट कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी सिंपली आपको इसे क्या करना है, यहाँ पे लेयर्स पे जाना है और मीडियम जाना है। मीडियम जाने के बाद डाउनलोड में जाइएगा। ऑफिस डाउनलोड में जाने के बाद ये वाली वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, तो इस वीडियो को ले लीजिएगा। ऑफिस स्ट्रीमर के बगल में जो फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसे फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। अभी आपको इस वाले एडो पर क्लिक करना है और यहाँ से बैक आना है। बैक आने के नीचे तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ क्लिक करने के बाद इनेबल वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है तो सिंपली इस पर टैप कर दीजिए। यहाँ टैप करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन वाला पार्ट मेरा जो खत्म हो चुका है और सिंपली ये ब्लू वाला जो बचा हुआ है इसे रहने देना। फ्रेंड्स, इसे थोड़ा सा और बोल्ड कर लेंगे तो इसे इस साइड में कीजिएगा, ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको सिंपली राइट क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ शेयर बटन पर क्लिक कीजिएगा और इसे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने पहले से एक्सपोर्ट करके रखा है तो मैं इसे एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अब सिंपली हम यहाँ से बैक आ जाएंगे और फिर से एक बार चलेंगे बीट सेंस एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बीट सेंस एप्लीकेशन अभी ओपन कर लिया और जो पहले सेलेक्ट था उसे डिसलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसे मैंने डिसलेक्ट कर दिया। ऑप्शंस न्यू इमेज यहाँ पे हम फिर से सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे पास ऑल फोटोज में कुछ फाइल में है तो मैं नया वाला पिक्चर कुछ ले लेता हूँ। तो जैसे पिंस में यहाँ पे मेरे पास है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। आपके पास जो भी इमेज हो उसे सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये होली वाली जो इमेज जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो अगर आप चाहे तो इसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होली वाला कुछ इमेज, ये वाला इमेज मैंने यूज किया इस एडिटिंग में, तो इसका मैंने लिंक आपको दे दिया, तो आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आया। तो फिर से हम चलेंगे रेसिंग में, तो यहाँ पर 22 सेकंड का फिर से हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद काइनमास्टर पर क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, उस पर ओके पर क्लिक कर देंगे और फ्रेंड्स ये सिंपली फिर से आ जाएगा काइनमास्टर में। तो यहाँ पर इसे हम डिलीट कर देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने उसे डिलीट कर दिया। अभी आपको फिर से स्टार्टिंग में लेयर्स पर जाना है, मीडियम जाना है। फ्रेंड्स, मीडियम जाने के बाद एक्सपर्ट जो वीडियो अभी आप किए तो उस वीडियो को यहाँ पर ले लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं जो अभी वहाँ पर हमने बनाया था, तो ये एक्सपर्ट हो चुका है और यहाँ पे आ गया। फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो को आपको ट्रिमर के बगल में फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा और फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से आता है कि यहाँ से फिर से बैक जाना है और काइनमास्टर में जाकर यहाँ पे येलो वाला जो है इसे इनेबल कर देना है। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे हल्का सा इस तरह से एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं ये लाइनिंग जो हमारा है ये थोड़ा बोल्ड दिख रहा है यहाँ पे कुछ इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइनिंग जो है तो बोल्ड दिख रहा है, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट है, इसमें साउंड भी लग चुका है, साउंड इसमें लगा हुआ था तो आप देख सकते हैं। सॉरी, इसमें कोई साउंड नहीं लगा हुआ है, साउंड जो हम इफेक्ट यूज करेंगे उसमें।
डिफरेंस इसमें साउंड लगा हुआ है, मैंने साउंड को म्यूट किया था जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा था, ठीक है। तो इसमें साउंड लगा हुआ, आपको साउंड नहीं लगाना होगा। लेयर्स पर क्लिक करेंगे और मीडियम जाएंगे फ्रेंड्स। मीडियम में जाने के बाद डाउनलोड में जाना है और फ्रेंड्स डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स मैंने आपको दिए हैं जिसे यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए ये वाली को हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसे ले लीजिएगा। फुल स्क्रीन की जगह यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे बैक आना है, बैक आने का नीचे तो स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक कीजिएगा और इसे कर दीजिएगा स्क्रीन। तो ये इस तरह से दिखने लगेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे हल्का हल्का लाइटिंग आएगा यहाँ पे। तो लाइटिंग को पूरे पे दिखाने के लिए क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको एक तो पार्टिकल लगाना है, मतलब जो टूल्स मैंने दिया था। तो लेयर्स में जाएगा, मीडियम जाएगा, मीडियम जाने का डाउनलोड में जाएगा और फ्रेंड्स डाउनलोड में जाने के बाद ये वाली इमेज आपको ले लेनी। इमेज लेने के बाद फुल स्क्रीन का जो ऑप्शन दिखा इस पर क्लिक कीजिएगा और इसे फुल स्क्रीन कर लीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसका थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा और इसे सेंड टू बैक कर दीजिएगा, तो ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से दिख सकते हैं यहाँ पे पार्टिकल, आपको ये फॉग वाला पार्टिकल जो है सब दिखने लगेगा, ठीक है। अब इसे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके पूरे वीडियो पे कर लेना है इसके लेंथ को और स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में राइट क्लिक कीजिएगा, लेयर्स में जाएगा, मीडियम जाएगा, मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में जाना है और फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो और इमेज मैंने दिया था आपको, तो बॉर्डर वाला इमेज ले लीजिएगा और सिंपली ट्रिम का वॉल्यूम फुल स्क्रीन का ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा, इसे फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, इसे स्क्रॉल करके पूरे वीडियो पर कर लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे दिख सकता है आपको, तो इस तरह से कर लेना है और राइट क्लिक कीजिएगा, लेयर्स में जाइएगा, मीडियम जाएगा फ्रेंड्स। मीडियम में जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड में जाने के बाद देखो इमेज मैंने आपको दिया था तो उसे ले लीजिएगा, जो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे लेने के बाद फ्रेंड्स इसे जूम कर लीजिएगा इस तरह से और नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अभी राइट क्लिक करना है, फिर से लेयर्स पे जाएगा, मीडियम में जाएगा और फ्रेंड्स मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में जाना है और डाउनलोड में जाने के बाद ये वाली वीडियो को आपको ले लेना है। इसे लेने के बाद ट्रिम का फुल स्क्रीन का ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा और इसे फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। अभी आपको यहाँ से बैक आना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, ब्लेंडिंग में जाइएगा और फ्रेंड्स ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसे स्क्रीन कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। राइट क्लिक आप कर लीजिएगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, पूरा इफेक्ट लग चुका है पूरे वीडियो पे। तो जो भी एक्स्ट्रा टूल्स इस पर वीडियो वाला हम यूज करें उसका साउंड यहाँ पे म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि साउंड उसमें हो सकता है फ्रेंड्स। इस पर क्लिक कीजिएगा और इस पर साउंड को यहाँ पे म्यूट कर दीजिएगा। अभी आपकी ये स्टेटस जो कंप्लीट हो चुकी है, इसे प्ले करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से इफेक्ट आपको मिल जाएगा, आप इसे सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा और फ्रेंड्स इसे एक्सपोर्ट करने के लिए वीडियो स्टेटस तैयार है, तो इसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए इसे एरो पर क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट करने के आप जिस भी क्वालिटी में करना चाहते हैं इसे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फ्रेंड्स इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले किसी भी ट्यूटोरियल को मिस न करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।